बच्चों क्या आप जानते हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में जो आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और अपने सेकंड टर्म्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस डिवाइस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है बच्चों जो कि आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू शॉर्ट एंड सिंपल द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल of Young Minds Career Institute. So let's get started and look into the topic. आज हम बात करने जा रहे हैं rectifier के बारे में। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? rectifier के बारे में। तो rectifier बच्चों एक ऐसा electrical device है जो आपके AC wave को किसमें convert करता है? pulsating डीसी के अंदर ये आपका कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा? एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो आप जैसे जान रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो जनरली हमारे पास रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से रेक्टिफायर होंगे बच्चों? एक होगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है? एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों? आपका फुल वेव रेक्टिफायर। सही बताया, किसने बताया इसका नाम? फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसा कि नाम आपको पता चल रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव का मतलब क्या है? जनरली जो आपका एसी करंट है या तो एक साइन वेव हो सकता है या एक कॉस वेव हो सकता है। लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग इट हेयर एज अ साइन वेव। तो ये एक एसी वेव है। तो एसी वेव में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है। तो अगर ऐसा रेक्टिफायर जो एसी के सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर दे, हाफ वेव का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव को कर रहा है तो नेगेटिव को नहीं कर पाएगा, नेगेटिव को कर रहा है तो पॉजिटिव को नहीं कर पाएगा। तो वो सिंपली क्या करेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें से किसी एक ही वेव को वो रेक्टिफाई कर पा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी क्या करेगा, सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, हाफ वेव रेक्टिफाई। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, हाफ वेव की आपको रेक्टिफाई कर रहा है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो जैसे नाम पता चल रहा है फुल वेव, यानी इस एसी के पूरे वेव को वो रेक्टिफाई करने वाला है। यानी वो पॉजिटिव को भी रेक्टिफाई करेगा, साथ के साथ नेगेटिव को भी रेक्टिफाई करेगा। तो यानी ये क्या करेगा, कंप्लीट फुल वेव, कंप्लीट फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये पूरे वेव को रेक्टिफाई करने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में ही पढ़ेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे आपके कंप्लीट एसी को एक पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। सो अब हमारा टॉपिक होने वाला है फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारे लिए यूजफुल क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम डीसी करंट बनाएंगे तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ आधे एसी को ही कन्वर्ट करें डीसी में। क्योंकि अगर हम आधे एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्या है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और एफिशिएंसी अगर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगी तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड डीसी मिलेगा जो कि हमारे कोई ज़्यादा काम के नहीं होने वाला है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, तो हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो किस पे होने वाला है, फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले मैं एक सर्किट डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फुल वेव रेक्टिफायर फंक्शन कैसे करता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने एक फुल वेव रेक्टिफायर को ड्रॉ कर दिया है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का हमारा सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का। तो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। तो कौन कौन सा होगा हमारे पास, पहली चीज होगी सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा हमारे पास, जो पहली चीज है। तो सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जिसके अंदर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, जिससे कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है जो ज़्यादा है वो उसको कम में कन्वर्ट कर देता है। यानी ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर का यूज करें। यानी स्टेप डाउन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा, अब सेंटर टैप का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा यहां पर जनरली सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमने बीच में, इस कॉइल के बीच में क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ये क्योंकि बीच में लगा हुआ है इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, सेंटर टैप नाम दिया है। तो बीच में रखने की वजह से यहां पर हमारे पास ये क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस है। तो लोड रेजिस्टेंस को हमने यहां पर RL से डिनोट किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो PN जंक्शन डायोड है, टू क्या है PN जंक्शन डायोड्स है, दो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होंगे, ये हमने बना दिया है। एक लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का ये जो पोर्शन होता है, जो बेस जैसा दिखता है, इसको पी कन से डिनोट करते हैं, ये हमारा एन से डिनोट होगा, ये हमारा पी होगा, ये हमारा क्या होगा, एन होगा। तो अब ये कैसे फंक्शन करेगा, मैं इस चीज को अब आप एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स सपोज कि सबसे पहले एसी का पॉजिटिव हाफ हमने यहां पर इनपुट सर्किट में दिया। तो जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ देंगे तो पॉजिटिव हाफ के केस में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ के केस में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बिहेव करेगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बिहेव करेगा। और आप जानते हैं बच्चों कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में फंक्शनल होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड कैसे बनता है, अगर सपोज करो ये हमने जो पी डायोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ओके, और ये जो एन साइड है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। सही बच्चा हूं, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो यानी अगर ये अगर हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी P पॉजिटिव से है और N हमारा नेगेटिव से है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही बता रहे हो। और अगर इसी को रिवर्स कर दें, रिवर्स का क्या मतलब है कि P को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो अब देखो, अब हमें यह भी पता चल गया है कि फॉरवर्ड बायस कब होता है, रिवर्स बायस कब होता है। तो अब हम देखेंगे कि अब ये एक्चुअल कैसे फंक्शन कैसे करेगा, हमारे यहां पे इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम एसी इनपुट का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर देते हैं, यानी हमारे पास ये पॉजिटिव इनपुट गया, यानी पॉजिटिव हाफ वेव जाएगा, तो पॉजिटिव हाफ वेव के केस में हमारा ये जो सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल का ये टर्मिनल पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में जो हमारा ये वाला डायोड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो यानी पी साइड किससे कनेक्टेड है, मतलब कि हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जब ये पॉजिटिव से होगा, ये नेगेटिव से होगा, मतलब कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की बात करें यहां पर, तो ये वाला जो सेकंड डायोड है हमारा D2, इसका ये वाला पोर्शन नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। यानी फॉरवर्ड बायस के, यानी पॉजिटिव इनपुट के केस में D1 किस में होगा हमारा, पहले फर्स्ट कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में, और D2 किस में होगा हमारा, रिवर्स बायस में, बिल्कुल सही। तो जब आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो अपने अंदर से करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है बच्चों। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला जो डायोड है हमारा D1 पॉजिटिव हाफ वेव को अपने अंदर से अलाउ करेगा, यानी वो उसको DC में कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो हमारा D2 डायोड है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो इस पॉजिटिव हाफ वेव को ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये रिवर्स में है। तो पॉजिटिव हाफ के केस में हमें यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर आउटपुट मिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ के केस में हमारा D1 डायोड फंक्शनल है, इसलिए यहां पर हमें फर्स्ट केस में पॉजिटिव हाफ को यहां पे ये मिल रहा है। नेक्स्ट केस में अब नेगेटिव हाफ वेव जब जाएगा, यानी ये हमारा नेगेटिव इनपुट जाएगा, नेगेटिव इनपुट के केस में क्या होगा, ये जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है इसका ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से
जो हमारा D1 है, D1 का ये P साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये N साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में सही बात है, अगर P हमारा पॉजिटिव हो जाता है, N नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, P अगर नेगेटिव है, N पॉजिटिव है तो उसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो सेकेंड केस में, अब जो पहले रिवर्स बायस में था, अब ये इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और जो पहले हमारा फॉरवर्ड बायस में था वो किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो अब ये रिवर्स बायस में हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, अब जो डायोड D1 है वो करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा, यानी इसके पास से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहां से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा, D2 हमारा फंक्शनल है, D1 फंक्शनल नहीं है, और इस केस में नेगेटिव केस में हमें क्या मिल रहा है, D2 डायोड के थ्रू यहां पर हमें पल्सेटिंग DC मिल पा रहा है। सेम एज दोबारा से पॉजिटिव हाफ जाएगा तो D1 फंक्शनल होगा, नेगेटिव हाफ के लिए D2 फंक्शनल होगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक कंप्लीट AC के लिए ये हमारा क्या है, ये इनपुट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कंप्लीट इनपुट AC के लिए बच्चों हमें क्या मिल रहा है, कंप्लीट आउटपुट मिल रहा है, यानी एक कंप्लीट DC पल्सेटिंग DC मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया डायोड के बारे में, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटपुट वोल्टेज के बारे में, आउटपुट वोल्टेज का क्या मतलब है कि जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया था उससे हमें कितना DC वोल्टेज मिलने वाला है। तो बेसिकली हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, क्योंकि हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, वो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, DC मिलने वाला है। तो DC में हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, यानी हमें VDC निकालना है, यानी डेल्स क्या निकाल रहे हैं हम, वोल्टेज ऑफ DC करंट निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, I × R। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, DC के लिए हम मीन करंट का यूज़ करते हैं, तो हमें मीन करंट चाहिए, और साथ के साथ हमारे पास क्या चाहिए, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें आउटपुट कहाँ से मिल रहा था, लोड रेजिस्टेंस के पास से मिल रहा था। तो मीन करंट को हम क्या लिख सकते हैं, 2I0 upon pi × RL। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास इस केस में DC वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ये हमें मिल गया है, यानी हम DC वोल्टेज इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो सेकंड केस क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है कि हमने आउटपुट वोल्टेज, यानी एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिला, इनपुट वोल्टेज हमने कितना दिया, तो उसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम जनरली क्या है, ईटा से डिनोट करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा बच्चों, आउटपुट वोल्टेज और अपॉन इनपुट वोल्टेज, बिल्कुल सही। बेसिकली एफिशिएंसी को अगर मैं सिंपल टर्म में और डिफाइन करूं, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि आपने कितना लगाया उसके बदले आपको रिटर्न कितना मिला। अगर कोई आदमी कम लगा के ज़्यादा रिटर्न ले गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है वो चीज़। और अगर सपोज करो आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या ज़्यादा कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट बहुत कम मिल रहा है, तो आप लेस एफिशिएंट हो। तो बेसिकली हम यहाँ पर यही देख रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा VDC और इनपुट वोल्टेज क्या है VAC है, ठीक है। तो अब जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो हमें बेसिकली, और दूसरा जब इसका रेशियो आप निकाल लेंगे तो हमें इसकी जो एफिशिएंसी मिलती है वो हमें मिलती है 81.2% के करीब हमें इसकी एफिशिएंसी मिलती है, जो कि जस्ट डबल होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। जो हाफ वेव रेक्टिफायर से इसकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, जस्ट डबल हो जाएगी, यानी 81.2%। उसके बाद हम जो दूसरा टर्म डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एफिशिएंसी। पहले हमने आउटपुट वोल्टेज डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्म फैक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट क्या हमारा होने वाला है, फॉर्म फैक्टर। सो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस सो दैट आई कैन राइट हियर।
थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होने वाला है, फॉर्म फैक्टर होने वाला है। फॉर्म फैक्टर को आप केएफ से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्म फैक्टर क्या होगा बच्चों, फॉर्म फैक्टर होगा आपका आईआरएमएस करंट यानी एसी करंट अपॉन डीसी करंट। डीसी करंट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मीन करंट यूज करते हैं। तो आपने ये पढ़ा है एसी में, फर्स्ट टर्म में आप पढ़ के आ रहे हो। आईआरएमएस क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू। ये क्या हो गया, आपके आईआरएमएस की वैल्यू हो गई। और मीन वैल्यू जस्ट अभी हमने लिखी है वो कितना था, टू आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमने आई नॉट से आई नॉट मतलब यहाँ पे कट कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, पाई अपॉन टू रूट टू। तो ये वैल्यू मिली है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म फैक्टर आ गया। तो ये क्या था, कुछ फॉर्मूले थे जो कि फुल वेव रेक्टिफायर से आपको इस पर क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हम फुल वेव रेक्टिफायर को ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने पीछे लिखा था, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 81.2% होती है, और हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6% होती है। तो आप देख रहे हो कि जस्ट डबल इसकी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी डबल होगी तो ज्यादा हमें कम इनपुट देना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, यानी अच्छा मिलेगा आउटपुट। सेकंड केस की बात करें, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जनरली क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपका जो रिपल फैक्टर होने वाला है वो 0.482% होता है, 482 होगा। और वही बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो कि रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर 1.21 के अप्रॉक्स होता है, जिसकी वजह से उससे जो हमें मिलने वाला डीसी करंट है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होता है। सेकंड एंड द लास्ट थिंग जिसकी वजह से हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, वो ये है कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है यानी जो आउटपुट डीसी मिल रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी जो आउटपुट डीसी है फुल वेव रेक्टिफायर में ज़्यादा होगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें कम होगा, फुल वेव में ज़्यादा हाफ वेव में कम। तो ये जो रीजंस थे इससे हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया फुल वेव रेक्टिफायर को। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डेली जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका PDF फॉर्म आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। होप यू लव दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।